मैंने क्लास 12th का मैट्रिक्स के बेसिक्स मैंने करा रखे हैं। क्लास 12th के मैट्रिक्स जो चैप्टर्स है उसका मैं बेसिक्स और उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट मैं करा रखा हूँ, और जो भी उसके बेसिक्स है मैंने कराया है। ठीक है, आज मैं आपको करा रहा हूँ मल्टीप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से डैट जो बच्चे नए आए हैं और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तो जो भी बुक्स में क्वेश्चंस है आप कर पाओगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 2 है, 3 है, इस तरह का है, 2 1 2 3 है और फिर है 2 3 4 इस तरह का। अच्छा एक मिनट, मेरे को ये बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है। अच्छा ऑर्डर निकलता कैसे है, देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है कॉलम, एक कॉलम है, ये रो, एक रो, दो रो, तीन रो, तो ये रहा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम इसमें एक ही है। तो पहले लिखते हैं रो वाला और फिर कॉलम, ठीक है ना। पहले क्या लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम। इसमें तीन रो था तो मैंने तीन लिख दिया, इसमें कॉलम एक रो एक लिख दिया मैंने। इसमें क्या है, एक दो तीन है। अभी तीन है क्या, ये तीन कॉलम है, तीन क्या है कॉलम, लेकिन रो कितना है, एक ही रो है, क्या है एक ही रो है। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने में मेथड क्या होता है, रो को करना है कॉलम से मल्टीप्लाई, ये रो रहा ये कॉलम रहा, इसकी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, रो करना है कॉलम से मल्टीप्लाई। पहले क्या करते हैं देखिए ध्यान से, पहले क्या करना है हमें, यहां से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 है ना, ये 2 है, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई यहां पे, ये क्या है देखिए ध्यान से देखिएगा बिल्कुल आप। अच्छा एक मिनट और देखिए, एक बात और क्या बता रहा हूं मैं इसके पहले, ये 3 मल्टीप्लाई 1 है, ये 1 मल्टीप्लाई 3 मीन्स, ये कहने का मतलब है ये 3 बाई 1 का ऑर्डर का है, ये 1 और 3 का ऑर्डर का है, ठीक है ना, ये ऑर्डर है किसका है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये। तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का होगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर देखिए तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड वाला, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर का आंसर आना चाहिए हमें। अब देखिए करते हैं मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस कॉलम के साथ, तो क्या हो गया 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इस रो का करेंगे इसके साथ, 3 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे 4 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से करना है यहाँ मल्टीप्लाई, ये जो एक अब क्या सेकेंड वाला है कि नहीं है, सेकेंड रो करेंगे फिर सबसे मल्टीप्लाई, ये क्या 2 2 जो 4 हो गया, 2 3 जो 6 हो गया, 2 4 जो 8 हो गया, फिर 3 2 जो 6, 3 3 जो 9 और 3 4 जो 12। ये इसका कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा है तो इसके एक और क्या मैं आपको बता सकता हूँ मेथड, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, इसको लिख लीजिए आप। ये तो आपको पता है ना कि कितने का ऑर्डर का ये, ठीक है ना, ये क्या करना, इस 2 से करेंगे सब में मल्टीप्लाई, इस तरह का हो जाएगा मल्टीप्लाई, जैसे कि ये है ना तो इसको इससे सब में मल्टीप्लाई, फिर इसमें इस तरह का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे रहा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है ना, यहाँ तक कोई ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखता हूँ मैं सेकेंड नंबर एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन है, देखता हूँ मैं अभी। क्वेश्चन नंबर है 1 है, 3 माइनस 2 और 5, 2 4 3 2। देखिए कैसे करना है मल्टीप्लाई इसका, देखिए ये कितने ऑर्डर का है, ये 2 बाई 2 का ऑर्डर का है, ये भी 2 बाई 2 का ऑर्डर का है, तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 2 बाई 2 ऑर्डर का है, कोई यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देख मैंने क्या बताया, इसका रो क्या करेंगे इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो क्या करना है देखिए, पहले करेंगे इसका इसके साथ, कितना देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं,
वन मल्टीप्लाई टू किया, फिर ऐड करना पड़ेगा इस थ्री को यहां से। मेरे पास समझ आ रहा है ना, क्या करना, इसका रो और इसका कॉलम, तो वन से या टू में मल्टीप्लाई, अब करना थ्री में मल्टीप्लाई थ्री से। ये रहा पहला एलिमेंट्स। सेकंड देखिए, अब क्या करना है, अब इसके लिए करें क्या, माइनस टू और टू, माइनस टू और टू, ये कितना हो जाएगा माइन, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फाइव है और ये थ्री है, ठीक है ना यहाँ तक। तो अब देख ये इसका काम, वन और फोर, ये कितना है थ्री, थ्री और टू, फिर देखिए यहाँ पे माइनस टू और ये फोर और ये फाइव मल्टीप्लाई टू, ऐसे करना है इसको। इसके अलावा मैं एक और बताऊंगा मेथड, ये अगर इससे दिक्कत हो रहा होगा तो उससे समझ बिल्कुल आएगा आपको। तो ये टू हो गया कितना गया, तीन तीन नौ, नौ दो ग्यारह हो गया, पाँच तीन पंद्रह, और एक कितना हो गया चार, ग्यारह हो गया, अभी तीन दो नौ छः चार दस हो गया, और ये हो जाएगा आपको पाँच दो नौ दस आ गया आठ, तो बचेगा कितना दो बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस ध्यान देना है इसका रो और इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, ये रखना है ऑर्डर। अब ये ध्यान रखना कि कौन से ऑर्डर का आंसर आएगा, जैसे देख रहे क्वेश्चन में थर्ड क्या है, थर्ड में आपको कराता हूँ वन है टू है थ्री है फोर है, फाइव वन टू फोर, देखिए ये भी टू बाई टू ऑर्डर का है कि नहीं है, टू बाई टू भी है, टू बाई टू भी है, तो आंसर भी क्या आएगा टू बाई टू का ही आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक तीन दो चार, इसको थोड़ा गैप करके अब थोड़ा दूर दूर पे लिख लीजिए एक बार, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, दिक्कत हो रहा था आप लोगों को। अब क्या करना है, इस पांच और दो से, क्या से, पांच और दो से करना मल्टीप्लाई, पहले करना पांच और दो से, तो इसको देखिए मैंने क्या बोला, इसका रो और इसका कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक और पांच यानी कि पांच और यहां दो, जो ऊपर में आया वही नीचे में, इसका काम खत्म। अब करना इससे मल्टीप्लाई ना, फिर अब ये ऐसे था इसको ऐसे घुमाइए, क्यों देखिए मैंने क्या बोला, इसका रो और इसका कॉलम से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये इसको घुमाना पड़ेगा ऐसे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या होगा ये वन फोर वन फोर, काम खत्म। मीन्स पहले वाले टर्म को मैंने लिख दिया थोड़ा गैप करके अपने अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए, और फिर एक बार मैंने मल्टीप्लाई किया फाइव टू से, जो लिखा मैंने फाइव टू, और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया वन फोर से, जो ऊपर वो नीचे, जो ऊपर वो नीचे, ऐसे समझिए या ऐसे, दोनों बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है, आराम से समझ में आएगा। कितना होगा पांच ये चार नौ पंद्रह ये आठ 23, कितना हो गया आठ 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 और एक नौ, ये कितना हो गया 16 और तीन 19, ये रहा इसका आंसर। ये रहा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने आपको कराया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।